सिंपल एनर्जी का जो आज इवेंट था इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है। ये इवेंट में कोई डिलीवरी नहीं हुई है, ये इवेंट में बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट है उसको शोकेस किया गया और उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए वो सारे बताया गया। इवन प्राइस रिवील भी की गई है, इवन जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी बात की गई है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, दो नए कलर कॉम्बिनेशन और ऐड किए हैं सिंपल कंपनी ने। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं। सबसे पहले तो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम रखा है इन्होंने सुपर स्टैक। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको हर एक महीने या तीन महीने में अपडेट देखने को मिलेगा, जिससे सिक्योरिटी अपडेट होगा प्लस सिक्योरिटी पैच जिसको बोलते हैं वो अपडेट होगा, प्लस अगर कुछ उनको पुश करना तो वो करेंगे। लेकिन कंपनी ने जो जो चीज मेंशन की है वेबसाइट पे लॉन्चिंग के समय सारे चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन रेडी गाड़ी के साथ। ऐसा नहीं है कि बाद में आपको कोई चीज प्रोवाइड करी, सारी की सारी चीजें जब आपको डिलीवरी मिलेगी गाड़ी में मिलेगी। प्लस इसका जो ऐप है उसका नाम है सुपर स्मार्ट, और ये ऐप के थ्रू बहुत सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गाड़ी की चार्जिंग रेंज सब कुछ उस ऐप में आ जाएगा। मतलब ये भी पूरा टेस्टेड है। इसके बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है चार्जर का। तो यहाँ पे आपको कंपनी 750 वॉट चार्जर देती है गाड़ी के साथ, और यहाँ पे फास्ट चार्जर एज एन ऑप्शनल भी दे रही है, अगर आपको ऑप्ट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज लगी ये 750 वॉट का जो चार्जर है, जो चार्जिंग टाइम है फिक्स बैटरी की वो भी काफी इंप्रेसिव है। ओवरऑल बात करते हैं कि दोनों बैटरी का चार्ज होती तो कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे 5 hours 54 minutes लगेगा पूरा बैटरी चार्ज होने में, यानी कि रिमूवल बैटरी और जो फिक्स बैटरी है। अब इसको बाइफरकेट करता हूं कि फिक्स बैटरी को कितना टाइम लगने वाला है। 750 वॉट के चार्जर से अगर ये चार्ज करते हैं तो लगभग 3 hours 47 minutes लगने वाला है, और कंपनी बोल रही है कि पूरे इंडस्ट्री में फिक्स बैटरी में इतना तेज 750 वॉट चार्जर कोई भी और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें R&D करके इस चार्जिंग को इतना तेज करा है। सिंपल वन ने हर जगह दिमाग लगा लगा के गाड़ी बनाया है, तो यहां पे समझ में आ रहा है कि सिंपल वन अच्छा खासा काम किया। प्लस जो रिमूवल बैटरी उसको चार्जर में लगता है 2 hours 7 minutes, तो ओवरऑल ये हो जाता है 5 hours 54 minutes में दोनों बैटरी चार्ज हो जाती है। वैसे कन्वीनियंस तो है कि एक बैटरी को अगर चार्ज करना है रिमूवल बैटरी को तो चार्ज करके रख दो, बहुत हेल्प हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी व्हीकल में फिक्स एंड रिमूवल बैटरी नहीं देखी, या तो रिमूवल या तो फिक्स। फास्ट चार्जर की बात करते हो तो यस अगेन 0 to 80% बहुत जल्दी हो जाता है, एंड 1.5 kilometers per minute के हिसाब से चार्ज करता है, बहुत तेज चार्ज करता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज 750 वॉट के साथ ही जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेज चार्ज कर रहा है, जो कि अगेन कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा इनका चार्जर है। नेक्स्ट इज द वेट, 110 kg से बढ़ चुका है 134 kg। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई इनकी जो बैटरी है वो बढ़ चुकी है, 5 किलोवाट आवर की हो चुकी है फिक्स बैटरी, पहली थी 4.8 किलोवाट आवर की, तो ये थोड़ा सा वजन बढ़ चुका है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार है, जो टॉप स्पीड है वो बरकरार है, सब कुछ सेम है, नो चेंजेस। तो ये दो जगह चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा जो IDC रेंज है वो घट चुका है, 212 किलोमीटर हो चुका है, लेकिन कंपनी ने बोला है कि इसमें भी 6% की बैटरी बची हुई थी, अगर 6% की बैटरी अगर वो यूज कर लेते तो 225 किलोमीटर की रेंज आराम से IDC रेंज में निकल आती। गिरी से गिरी हालत में अगर रियल वर्ल्ड में भी चलाते तो 175 से 180 किलोमीटर की रेंज इजीली आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो है कलर कॉम्बिनेशन। 4 color combination कंपनी ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, बट उसके अलावा 2 color और इंट्रोड्यूस किया है। पहला है ब्रेजन एक्स और दूसरा है लाइट एक्स, बट माय फेवरेट इज द लाइट एक्स, व्हाइट कलर के साथ जो रेड ऑलिव्स लग रहा है मेरे को बहुत पसंद आया। आप बताना आपको 6 color में से कौन सा कलर पसंद आया। आई वुड डेफिनेटली गो विद द लाइट एक्स, बट ये दो जो कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दोनों के प्राइस थोड़े से ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्राइसिंग, क्योंकि बाकी चीज आपको पता है गाड़ी में क्या है क्या नहीं, सब कुछ पता है भाई। टच स्क्रीन है, 12 inch के अलॉय्स है, 90x90 सेक्शन का टायर्स है, इतना बूट स्पेस है, रिमूवल बैटरी, एसी वर्क करती है, सामने एलईडी, पीछे एलईडी, सब कुछ आपको पता है। लेकिन प्राइस के बारे में बात करते हैं तो मैंने लास्ट टाइम जो प्राइस बताई थी वो पुणे की बताई थी, कंपनी लॉन्च के समय बताई है बैंगलोर का प्राइस। तो यहाँ पे जो बैंगलोर का प्राइस है 1,45,000, और ये जो प्राइस है पेम टू सब्सिडी जो 15% हो चुकी है उसके बाद का प्राइस है 1,45,000, और इसमें 13,000 rupees का जो 750 वॉट का चार्जर है वो इंक्लूडेड है, इस कारण से इसका प्राइस है 1,45,000। और जो दो नए कलर इंट्रोड्यूस किए उनके प्राइस है 1,50,000, 5,000 rupees कलर के है, क्योंकि भाई व्हील्स भी रेड है, कलर भी अलग टाइप का ही है, इस कारण से उसका प्राइस ज्यादा है। प्राइस के हिसाब से रेंज इज जस्टिफाइड, तो मैं बोलना चाहूंगा हाँ, अगर आपने वेट किया है, आपने बुक किया, तो जहां 1,10,000 में लॉन्च किया था वो तब की बात है, वहां से अभी तक का जो इन्फ्लेशन है सब कुछ मिला के भी देखा जाए तो गाड़ी अच्छी खासी मिल रही है। लेना है तो फट से ले लो, क्योंकि अगर ये प्राइस बढ़ गए फिर गाड़ी भी भाई हाथ से निकल जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि बाकी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। बाय बाय।